सबसे पहले बात करेंगे एलटीटीएस लिमिटेड के बारे में। अगर हम आज के दिन की परफॉर्मेंस की बात करें तो 101% की गिरावट, बट इसी गिरावट के साथ इस कंपनी में एक बहुत ही ज़बरदस्त खबर देखने को मिल रही है कि एलटीटीएस ने एक कोलाब्रेशन की विद कोलोराडो स्मार्ट सिटी अलायंस के साथ। और ये जो पार्टनरशिप हमें देखने को मिल रहे हैं इन दोनों कंपनी के साथ, ये जो स्ट्रेटेजिक कोलाब्रेशन हमें देखने को मिल रहे हैं दोनों कंपनी के बीच में, इसके पीछे का मेन मोटिव और मेन एम है टू ड्राइव इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अक्रॉस द स्टेट ऑफ कोलोराडो। तो डेफिनेटली ये जो खबर हमें देखने को मिल रहा है खास करके एलटीटी जैसे कंपनी के लिए हमें बहुत ही कमाल की खबर देखने को मिले। भले इस न्यूज़ को मार्केट ने आज के दिन पॉजिटिव रिएक्शन ना दिया हो, लेकिन इतना जरूर है कि किसी भी कंपनी को प्रोजेक्ट मिलना तो आने वाले लॉन्ग टाइम के लिए, मतलब फ्यूचर के लिए उस कंपनी के लिए हमें ये अच्छी खबर देखने को मिल जाते हैं। बाकी स्टॉक के परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले एक एक साल में आज भी 12.5% की तेजी इस प्रकार के गिरावट के माहौल में भी। हाँ, अप्स एंड डाउन्स की बात करें तो ये मिड कैप साइज के स्टॉक है और ऊपर से आईटी वाले स्टॉक है, तो इस प्रकार के अप्स एंड डाउन्स हमें देखने को मिल जाते हैं। बट अच्छी बात है कि ये स्टॉक कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, बट जो जितने परसेंट भी गिरावट में है ये भी गिरावट अपने आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उसके पीछे का दो रीज़न है कि एक, इस टाइम पे मार्केट में इतने प्रेशर होने के बाद भी इन स्टॉक ने कोई बहुत बड़ी गिरावट दिखा नहीं, यानी कि स्टॉक में एक बहुत अच्छा खासा बुलिशनेस बना हुआ है। जब मार्केट कमबैक करेंगे तो इन स्टॉक में सबसे पहले आपको बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। दूसरा, इन स्टॉक की ज़बरदस्त मोमेंटम, अब इसके मोमेंटम को देख सकते हो कि स्टॉक में इतने अप्स एंड डाउन होने के बाद भी पिछले एक मंथ से बस ये स्टॉक ये जो 5000 के रेंज है, 5000 से लेके 5200-5300 इसी रेंज में पिछले एक डेढ़ मंथ से स्टॉक है, मतलब जब से मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिला पिछले अक्टूबर मंथ से, हार्डली डेढ़ मंथ से मार्केट ने 10% की गिरावट दिखा दी, बट ये स्टॉक जो पहले गिरावट दिखाए थे उसके बाद स्टॉक मार्केट में पीछे होने के बाद भी स्टॉक के मोमेंटम हमें कंसोलिडेशन वाले देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो लेवल है एक बहुत ही कमाल के, इस लेवल को ये स्टॉक बहुत ही अच्छी तरह से सस्टेन कर। तो जब भी बाजार में एक अच्छे खासा हमें बाउंस बैक देखने को मिलेगा, जो कि आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो मार्केट में रिकवरी आने वाला है, ऐसा तो नहीं कि हमेशा बाजार नीचे रहने वाले और एक तरफा मार्केट में गिरावट ही होने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज नहीं तो कल, नहीं तो 6 मंथ बाद, नहीं तो 1 साल बाद मार्केट में रिकवरी आने वाला है। और जब मार्केट रिकवर करेगा तो ये स्टॉक जो इस लेवल को इतने अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है, तो इससे भी एक बहुत ही अच्छे खासा आपको बाउंस बैक देखने को मिल जाएगा। तो ये जो गिरावट है ऑलमोस्ट 12-13% डाउन है, जो कि कोई बहुत बड़ी गिरावट तो है नहीं, बट डिपेंड करते हैं कौन सी कंपनी, जो कि इस पॉइंट को मैं काफ़ी बार आपको हाईलाइट करा चुका हूँ कि 30% डाउन है, 40% डाउन है या फिर 10% डाउन है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से स्टॉक में डाउन है। तो ये एक अच्छे खासे मिड कैप वाले स्टॉक है, तो इसमें 12-13% 15% डाउन, तो थोड़े बहुत क्वान्टिटी बाइंग करने के लिए, फिर पहला स्टॉलमेंट लगाने के लिए ये गिरावट काफ़ी है, जो कि इस प्रकार की गिरावट जब इससे पहले भी गिरा था तब भी कवर किया, और जब भी गिरता था यहाँ पे 50% गिरा था तब तो बहुत बड़े मौका था, और ऐसे मौका बहुत ही रेयर मिलता है जब पूरे बाजार में भूकंप हो या फिर पूरे सेक्टर में कोई बहुत बड़ी नेगेटिविटी हो। बट जो भी गिरावट दे रहे हैं इस गिरावट के माहौल में, तो अगर आप चाहो तो आप जरूर एलटीडीज के बारे में इस गिरावट के माहौल में आप जरूर चाहो कंसिडर कर सकते। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें और एक ज़बरदस्त कंपनी वरुण बेवरेज लिमिटेड, अगर हम आज के दिन की बात करें तो ऑलमोस्ट 6.6% की बहुत ही शानदार तेजी, और काफ़ी दिनों बाद जाके इन स्टॉक में हमें इस प्रकार की डिसेंट तेजी देखने को मिला। और उस तेजी के पीछे मेन मेन हमें दो रीज़न देखने को मिल रहे हैं, उसमें से एक कि स्टॉक ब्रोकर, कुछ ब्रोकर ऐसे हैं जो कि इन स्टॉक को इस माहौल में बाइंग की रेटिंग दे रहे हैं, जिसमें अगर हम एक्सेस सिक्योरिटी की बात करें तो उनके मानना है कि उन्होंने स्टॉक को बाइंग रेटिंग कर दी, और उनके मानने का स्टॉक आने वाले टाइम में 700 तक की रैली दिखा सकता। दूसरा, कोटक की बात करें तो कोटक की भी जो है टारगेट हमें थोड़े बहुत अपसाइड देखने को, और उनके हिसाब से उनके जो फेयर वैल्यू होगा 650 कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। बट तीसरे टारगेट की बात करें तो केआर चोस की, तो उन्होंने भी स्टॉक को बाइंग कॉल ही दिया, स्टॉक को चाहो तो बाइंग करके जा सकते हो इस गिरावट के माहौल में, और आने वाले टाइम में स्टॉक आपको 738 तक की रैली दिखा सकते, जो कि सबसे सबसे ज़्यादा हमें टारगेट इनके देखने को मिल रहे हैं इन तीनों ब्रोकर के कंपेयर में। ये तो हो गया एक रीज़न, और दूसरा रीज़न की बात करें तो स्टॉक के मोमेंटम, यानी कि स्टॉक की टेक्निकल, चूंकि आज नहीं तो कल इस प्रकार के तेजी तो आने वाले थे, क्योंकि जिस लेवल को हम स्टॉक ट्रेड कर रहे थे एकदम छोटे से ग्राफ में 575 से लेके ये 600 ऑलमोस्ट 25 पॉइंट के गैप में स्टॉक पिछले काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था, और ये जो तेजी आपको स्टॉक में आज के दिन इस प्रकार के देखने को मिला, यानी जो 600 के लेवल को ब्रेकआउट दिया, ये पहली बार नहीं
बीच बीच में इस प्रकार के हमें स्टॉक में अच्छे खासे बाइंग देखने को मिल जाते हैं। आप इस प्रकार के ग्रीन कैंडल को देख सकते हो, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसने 600 को दोबारा ब्रेकआउट तो दिया, क्या इसको फिर से वो होल्ड कर पाएंगे या फिर से दोबारा वो 600 को ब्रेक डाउन देंगे, अब उसी के नीचे आने वाले। इससे पहले भी काफी बार इसने 600 को ब्रेकआउट दिया था बट होल्ड नहीं कर पाए, सस्टेन नहीं कर पाए, तो फर्दर स्टॉक हमें दोबारा 600 के नीचे की ओर आते हुए हमें देखने को मिल जाते हैं। तो देखते हैं इस बार 600 को ब्रेकआउट दे, अगर 600 को होल्ड कर पाते हैं तभी जाके यहाँ से हमें फिर से फर्दर रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि आज भी स्टॉक अपने टॉप लेवल से एक अच्छे खासे डाउन है और ऊपर से एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन में। ये कंसोलिडेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो क्या इस बार इसी 600 के लेवल से कि यहाँ से अच्छे बाउंस पे दिखा के क्या अपना ये 8-9 मंथ के जो कंसोलिडेशन है कि इस लेवल को, इस कंसोलिडेशन के वो ब्रेकआउट दे पाएगा? अगर ब्रेकआउट देगा तभी जाके यहाँ से हमें एक फ्रेश अच्छी रैली देखने को मिल जाएंगे। तो एक स्टॉक की बात करें और एक जबरदस्त कंपनी KEI इंडस्ट्री लिमिटेड। सो KEI की बात करें तो इस टाइम पे स्टॉक में मतलब जो गिरावट स्टॉक ने दिखाना शुरू किया, अभी तक वो गिरावट एक तरफ इन स्टॉक में हमें उसी प्रकार के कंटिन्यू देखने को मिल रहे, वो भी लगातार। अगर हम आज के दिन की भी बात करें तो 2 से लेकर 2.5%, पिछले 5 दिनों में 7.5%, महीने भर में 8.5%, 6 मंथ की बात करें 10%। बट ये तो हुई रफली गिरावट। अगर एग्जैक्टली देखा जाए स्टॉप लेवल से तो रफली रफली हमें 20 से लेकर 23% तक डाउन देखने को मिल रहा है, और ये भी प्रॉपर नहीं, एग्जैक्टली देखोगे तो आपको 26 से लेकर 27% तक आपको डाउन देखने को मिल जाएगा। और ये जो गिरावट है स्टॉक के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली ये गिरावट है। ऐसे क्यों? क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है जिस प्रकार के परफॉर्मेंस स्टॉक ने बना के दिया, बट ये जो गिरावट है हमें कम से कम 4 साल बाद इस प्रकार के हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। इससे पहले इस प्रकार की गिरावट सिर्फ हमें कोविड में देखने को मिला था, तब तो पूरी दुनिया गिरा था, हर एक स्टॉक, हर एक दुनिया के बाजार गिरा था, ऑलमोस्ट ये स्टॉक जोरदार गिरा था। उसके बाद जो स्टॉक ने रैली या फिर कमबैक दिखाना शुरू किया, इससे पहले भी गिरा था बट वो गिरावट 10%, 12%, 15% इस प्रकार के, और 3-4 साल बाद एक तरफा तेजी के बाद अब यहाँ पे पहली बार मतलब 3-4 साल बाद जाके स्टॉक में इस प्रकार के 25-30% के हमें एक डिसेंट गिरावट देखने को मिल रहा है। तो कहने के इन स्टॉक के लिए ये वाले गिरावट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली ये गिरावट है। तो डेफिनेटली इस प्रकार के कंसिस्टेंसी वाले स्टॉक में ऐसे 25-30% गिरावट होना तो अपने आप में देखा जाए एक बहुत बड़ी पॉजिटिव पॉइंट है। आप इन स्टॉक के लॉन्ग टाइम के चार्ट को भी देख सकते हो कि स्टॉक ने जब से स्टार्टिंग हुआ ऐसा लग रहा है कि सिर्फ कोविड में दिखाई गिरावट, उसके बाद अभी तक गिरावट दिखाई नहीं, मतलब कितने कंसिस्टेंसी और स्मूथली चलने वाले स्टॉक है। तो ऐसे स्टॉक में अगर ऐसी गिरावट मिलता है तो इसे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और सबसे खास बात कि ये स्टॉक कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, 30-35 हज़ार करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो और एक बहुत बड़े जबरदस्त पॉइंट है, क्योंकि मिड कैप है तो आगे भी आपको एक कमाल की तरह से रिटर्न बना के आपको ये दे सकते हैं, ऐसा आप एक्सपेक्ट करके जा सकते हो। ऐसे नहीं कि इतने भागने के बाद ये लार्ज कैप बन चुका है, तो नहीं, आज भी ये कंपनी एक मिड कैप वाली हमें कंपनी देखने को मिले, बहुत ही एक डिसेंट मिड कैप वाली कंपनी देखने को मिले, मतलब यहाँ से आने वाले कुछ सालों तक ये कंपनी जबरदस्त रिटर्न बना के और भी आगे ये दे सकता है। तो अगर आप तो ये जो गिरावट है इस गिरावट का जरूर चाहो तो आप इस टाइम पे फायदा उठाने के बारे में कंसिडर कर सकते हो। ये मेरे हिसाब से रिकमेंडेशन है नहीं, बट जो अच्छी कंपनी है तो वो अच्छी कंपनी लॉजिक के साथ मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ कि ये कंपनी है जबरदस्त है, टॉप लेवल से गिरावट है, अगर जाना चाहिए तो क्यों जाना चाहिए और अगर इसको इग्नोर करना है तो क्यों करना चाहिए। ये कंपनी जबरदस्त है, अपने सेक्टर का दूसरे नंबर पे आने वाली कंपनी, और मतलब इन सेक्टर में और कोई पॉपुलर कंपनी है ही नहीं। एक दो ही कंपनी देखने को मिल जाती है, एक पॉलीकैप और दूसरा KEI। अगर आपके पास पॉलीकैप है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास KEI है तो और भी अच्छी बात है, अगर आपके पास दोनों है तो और भी अच्छी बात है, और जिनके पास नहीं है तो जरूर चाहते हो इस गिरावट का फायदा उठाने के बारे में कंसिडर कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसने जो 3,750 का जो इंपॉर्टेंट लेवल था इस लेवल को इसने ब्रेक डाउन दे दी और आज के दिन उसी के नीचे क्लोजिंग दी। तो अगर मार्केट में थोड़ा बहुत भी प्रेशर रहा तो शायद से यहाँ से ये गिरावट थोड़ा सा और फर्दर कंटिन्यू हो सकता है और स्टॉक एग्जैक्टली ये जो 3,500 का लेवल है यहाँ से और भी 200 पॉइंट तक की गिरावट दिखा सकता है। तो इस पॉइंट को भी आप पहले से नोट करके रख सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें और एक जबरदस्त कंपनी CDSL लिमिटेड। अगर हम आज के दिन की बात करें तो 2.5 से लेकर 2.75% की तेजी, और सबसे अच्छी बात है कि फिर से स्टॉक ने अपने ये जो 1500 का लेवल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, उसको फिर से री अचीव कर चुका और उसी के ऊपर इसने बहुत ही अच्छी तरह से क्लोजिंग दिया। और वैसे भी देखा जाए तो स्टॉक हमें एकदम टॉप पे देखने को मिल रहा है, टॉप लेवल से हार्डली 5-6-7% के आसपास ये डाउन है, वो जो कि एक बहुत ही
नॉर्मल सी गिरावट है, क्योंकि इस टाइम पे जिस प्रकार की गिरावट हमें मार्केट में देखने को मिला, जिस प्रकार की गिरावट हमें बाकी स्टॉक में देखने को मिला, उसके कंपेयर में सीडीएसएल ने जो परफॉर्मेंस बना के दिया 5-5 सालों में, 2-2 सालों में, उसके हिसाब से सीडीएसएल के स्टॉक आज भी हमें टॉप पे देखने को मिल रहे हैं। उसके पीछे का रीजन है कि अभी तक इसके परफॉर्मेंस, अभी तक इस कंपनी ने कंसिस्टेंसी बहुत ही, जितने भी क्वार्टर के नंबर प्रेजेंट किए बहुत ही जबरदस्त है, इनकम से लेकर प्रॉफिट तक। बट यही ग्रोथ को क्या आने वाले क्वार्टर 3 तक, क्या या फिर क्वार्टर 3 तक ही, क्या क्वार्टर 3 में भी इसी प्रकार की ग्रोथ को मेंटेन रख पाएगा? तो ये भी इस कंपनी के लिए काफी ज्यादा चैलेंजेस बन सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार के प्रेशर हमें बाजार में देखने को मिल रहा है, खास करके अगर हम अक्टूबर की बात करें, तो अक्टूबर मंथ में जो गिरावट हमें बाजार में देखने को, उसके चलते जो हमारे डीमेट अकाउंट ओपनिंग का जो डेटा है, उसमें हमें एक अच्छे खासे डाउनफॉल देखने को मिला मंथ ऑन मंथ बेस पे। इस बार 35 लाख के हमें न्यू डीमेट अकाउंट के एडिशन देखने को मिला, जो कि मंथ ऑन मंथ बेस पे थोड़े बहुत डिक्लाइन हुआ। अभी तक कैसे हर मंथली ये 40 लाख के हिसाब से ये नंबर ग्रो होते, मतलब 40 लाख के हिसाब से हर मंथली डीमेट अकाउंट के एडिशन हमें देखने को मिल रहा था, क्योंकि तब बाजार में अच्छे खासे तेजी था। कब तक? सेप्टेम्बर तक। और जो गिरावट हमें मार्केट में देखने को मिला कभी अक्टूबर से, तो उसका इम्पैक्ट साफ साफ हमें देखने को मिल रहा है। वो गिरावट अभी तक हमें देखने को मिला, अगर ऐसे गिरावट कंटिन्यू रहा तो शायद से जो नवंबर मंथ का जो डेटा है जो दिसंबर में आएगा, शायद से वो डेटा भी हमें इसी के आसपास या फिर इसके भी नीचे देखने को मिल सकते हैं। और दिसंबर में अगर ऐसे ही प्रेशर रहा तो दिसंबर मंथ का भी डेटा शायद से इसी प्रकार का डाउन वाले आ सकता है। और अगर तीनों मंथ के डेटा अगर ऐसे डाउन डाउन आता है, तो तीनों मंथ को मिला के बनता है क्वार्टर 3, शायद से क्वार्टर 3 के नंबर जो दिसंबर के बाद हमें देखने को मिलेगा, वो शायद से क्वार्टर 2 के कंपेयर में एक अच्छी खासा हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। बट वो तो बाद की बात है, उससे पहले हमारा फोकस, अभी जो फोकस रहने वाला है स्टॉक के टेक्निकल के ऊपर, स्टॉक के मोमेंटम के ऊपर, क्योंकि फिर से स्टॉक चौथी बार उसी लेवल से अपना वो बाउंस बैक दिखाने की कोशिश करे, फिर बाउंस बैक वो दिखा रहे हैं और 2 दिन अच्छे खासे रैली भी दिखाएं उसी लेवल से, जिस लेवल से बार बार स्टॉक में बाउंस बैक आ ही जाता है, ये 1400 के लेवल से। तो इस बार इसने 1500 को तो आज के दिन ब्रेकआउट दे दी, क्लोजिंग भी दिया, तो मार्केट ने थोड़ी सी भी साथ दे दी, तो ऐसे फिर से ये चौथी पांचवा बार ये अपना ऑल टाइम को ब्रेकआउट देने की कोशिश भी कर सकता है, और उसके लिए मार्केट का साथ चाहिए। अगर ब्रेकआउट दे भी दे तो वो भी कोई फायदा नहीं है, अगर ब्रेकआउट के बाद इसको रैली दिखाने है यहाँ से रैली ऑल टाइम, तो मार्केट का भी थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी रहना चाहिए। देखो मोमेंटम तो स्टॉक के आज भी कमाल की है, स्ट्रॉन्ग ही है, और स्टॉक का नेचर भी इस प्रकार के एक तेजी के बाद जब ब्रेकआउट देता है तो हमें यहाँ से और भी 200, 300, 400 पॉइंट तक की रैली देखने को मिल जाते हैं, और ऊपर स्टॉक के नेट नेट लॉन्ग टर्म के मोमेंटम हमें अच्छी देखने को मिल रही है। तो जिनके पास भी चाहो तो होल्ड कर सकते हो, अगर इसने इस बार इसको ब्रेकआउट दे दी उसके बाद स्टॉक में और हमें एक फ्रेश रैली देखने को मिल सकता है। स्टॉक की बात करें केपीए ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, अगर हम आज के दिन की बात करें तो ऑलमोस्ट 4% की तेजी, और उस तेजी के पीछे का रीजन कि बोनस की मैनेजमेंट ने फिर से थर्सडे के दिन जो बोनस के अनाउंसमेंट उन्होंने किया था 1:2 के, तो उसका रिएक्शन काफी देखना काफी इंपॉर्टेंट था कि चलो अच्छी बात है कि इस बोनस के न्यूज को एटलीस्ट मार्केट ने तो थोड़ा बहुत अप्रिशिएट जरूर किया है। मतलब ऐसा लग रहा था कि किस प्रकार के रिएक्शन बाजार में होगा, क्योंकि मैनेजमेंट ने जो कंसिडर किया था वो 2 चीजों के लिए, बोनस साथ ही साथ स्प्लिट के लिए, तो स्प्लिट तो मैनेजमेंट ने दिया नहीं तो बोनस ही दिया, बट बोनस का जो रेशियो है वो भी थोड़े से अलग टाइप के, एक मतलब 1:2 के 2 के बदले 1 बोनस शेयर मिलेगा, तो क्या रेशियो को क्या बाजार अप्रिशिएट करेगा? तो आज के दिन इसके चलते स्टॉक काफी ज्यादा फोकस में था, तो चलो अच्छी बात है कि इस न्यूज को एटलीस्ट शॉर्ट टाइम वालों ने भी, मार्केट ने भी थोड़े बहुत अप्रिशिएट किया।